नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस में। संस्कृत में लाइनें हैं बहुत ही फेमस, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या जिसे हिंदी में हम कह देते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये दोनों लाइनें बहुत ही सटीक ढंग से फिट बैठ रही हैं ट्विटर के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा कि ट्विटर जो है काफ़ी दिनों से भारत सरकार के साथ पंगे ले रहा है, और ये जो समस्याएं हैं, ये जो पंगे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक नया विवाद जो है ट्विटर ने खड़ा कर दिया है जानबूझकर, और ये विवाद क्या है ये आप इस आर्टिकल में देख पाएंगे। ये NDTV का आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हैं कि अब ट्विटर ने क्या किया है, अपना एक उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उन्होंने क्या किया, एक मैप जारी किया है, और उस मैप पर उन्होंने क्या किया है, जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक अलग देश ही बता दिया है। मतलब आप देखिए, तो ट्विटर ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके एक नया देश ही बना दिया। इसके अलावा जो हमारा लेह लद्दाख का जो प्रांत है उसको उन्होंने पूरा का पूरा चाइना को दे दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं NDTV का आर्टिकल है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है J&K अ सेपरेट कंट्री कॉमा ले इज़ चाइनीज़ टेरिटरी। ये कह रहा है ट्विटर अपनी ऑफिशियल साइट पे, और ये भारत का उन्होंने एक गलत नक्शा, एक डिस्टॉर्टेड मैप जो है अपनी वेबसाइट पे डाला है। वो मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ आपको बड़ी आसानी से ये दिख जाएगा, है ना। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको आसानी हो। देखिए, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इसको देख पाएंगे। देखिए, ये है हमारा भारत, और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को उन्होंने क्या किया है, एक अलग देश के रूप में ही इस्टेब्लिश कर दिया, यानी ये एक अलग देश है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है लद्दाख, है ना, और लद्दाख का जो उन्होंने पूरा का पूरा हिस्सा है ये दे दिया है किसको, ये उन्होंने दे दिया है चाइना को। अब आप देखिए इस तरीके की हरकतें जो है ट्विटर कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि ट्विटर ये जो है पहली बार कर रहा है, इससे पहले भी वो इस तरीके के कार्य कर चुका है। अभी हाल ही में हमने देखा कि ट्विटर ने जो हमारे IT मिनिस्टर हैं उनका अकाउंट ही 1 घंटे के लिए बैन कर दिया बिना किसी पूर्व सूचना पे, यानी उसके लिए उनको कोई पहले वार्निंग नहीं दी गई कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है या बैन होने वाला है, और बिना किसी पूर्व सूचना के उनका अकाउंट जो है बैन कर दिया गया। बाद में 1 घंटे बाद उसको खोल भी दिया गया। ये जो सारी हरकतें हैं ये दिखा देती हैं कि ट्विटर जो है अपने आप को भारत से बड़ा मानता है, और उसके जो CEO हैं जैक डॉर्सी, वो ये कई बार कह चुके हैं कि हम जो है लेफ्ट लीनिंग सोसाइटी हैं, हम एक लेफ्ट लीनिंग संस्था हैं, और हम जो है राइट विंगर्स को ज़्यादा अपने यहाँ पे मतलब उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, चूँकि इंडिया में एक राइट विंग की सरकार है, इस वजह से वो इससे लगातार पंगे ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं जिससे अब ट्विटर के बैन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ट्विटर लगातार जो है भारत के जो कानून है उनका उल्लंघन कर रहा है, उनको मानने से मना कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, या केवल भारत सरकार कड़ी निंदा ही करके छोड़ देगी जो वो काफ़ी समय से करती आ रही है। तो आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपको क्या लगता है कि ट्विटर को बैन होना चाहिए इस काम के बाद, या और कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।